गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9.1 में एनसीईआरटी की डाउट्स हैं। ये कह रहा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक स्टैचू है बेटा जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.6 मीटर, विच स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, ये सपोज ए बी जो है ना, वो आपने कोई पेडेस्टल ले लिया, ए बी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी पेडेस्टल आपको दे रखा है। एक स्टैचू है बेटा, ये आपने कोई स्टैचू ले लिया बेटा, ए सी जो है वो स्टैचू है। ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है पेडेस्टल को, ए सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैचू को। ए स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की जो हाइट है वो आपको गिवन है भाई 1.6 मीटर। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ए बी आपके पास पेडेस्टल हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। बेटा ग्राउंड लेवल पे कोई भी पॉइंट दे रखा है डी, और एंगल ऑफ इलेवेशन क्रिएट हो रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू से, तो स्टैचू का टॉप हो गया पॉइंट सी, यहां से एंगल ऑफ इलेवेशन क्रिएट हो रहा है, कितने डिग्री का क्रिएट हो रहा है बेटा 60 डिग्री का। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कौन सा पॉइंट हो गया भाई पॉइंट ए, यहां से जो एंगल ऑफ इलेवेशन क्रिएट हो रहा है बेटा वो 45 डिग्री का है। ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, पेडेस्टल की हाइट दैट मींस यहां पे आपने ए बी जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, आपने ए बी को एच मान लिया तो बी डी भी आपके पास है ना वो एच ही होगा। ए बी अगर आपने एच मान लिया तो बी डी भी आपके पास एच ही होगा। क्यों होगा? ए बी डी अगर आप ट्राइंगल में देखोगे, इन ट्राइंगल ए बी डी आपको पता है 45 डिग्री का एंगल है, और जब भी 45 डिग्री का एंगल होता है ना तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। करके देख लेना, अगर आप लिखोगे ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ऑफ 45 डिग्री, दैट मींस ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 1 व्हिच इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है भाई, हो गया। अब कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं, डी बी सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी बी सी, बी सी अपॉन बी डी या बी डी अपॉन बी सी, कैसे भी कर लो बेटा, बी सी अपॉन बी डी, बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, बी डी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, ये हो जाएगा 10 ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी हुई, बी सी की वैल्यू होगी हमारे पास H प्लस 1.6, BD की वैल्यू H tan 60 अंडर रूट 3, ये H इधर मल्टीप्लाई में आएगा, H प्लस 1.6 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 H, ये H उधर जाएगा माइनस में, तो क्या रहेगा भी हमारे पास, अंडर रूट 3 H माइनस H इज इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 H हमने कॉमन ले लिया अभी, इज इक्वल टू 1.6, और यहां से जब हम h निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, जो है ये कहां चला जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में आप बेटा अंडर रूट की टर्म नहीं छोड़ते हैं तो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 से, अंडर रूट 3 प्लस 1 ऊपर, तो 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 एज इट इज नीचे। आपको पता है रेशनलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो डिनोमिनेटर में a की फार्मूला बनता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2 से इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, ये आ जाएगा 0.8 इनटू अंडर रूट 3 प्लस 1। आगे अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो यहां पे आप अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर लेंगे 1.732। ठीक है भाई, तो ये आपने h कैलकुलेट कर दिया, और h यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पेडेस्टल की जो हाइट है वो यहाँ पे क्या कर रहा था भाई, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, क्लियर है बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ये कह रहा है कि एक गर्ल 1.5 मीटर टॉल, एक लड़की है भाई जिसकी हाइट आपको गिवन है बेटा 1.5 मीटर, ए गर्ल हुज हाइट इज 1.5 मीटर इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाई टावर, वो एक टावर जिसकी हाइट 30 मीटर है उससे कुछ दूरी पे खड़ी हुई है,
ये सपोज आपने लड़की की हाइट ले ली 1.5 मीटर, विच स्टैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाइट टावर. एक टावर आपको दे रखा है भाई, यहाँ पे सी डी की जो हाइट है वो 30 मीटर है, इससे ही कुछ दूरी पे खड़ी हुई है. द एंगल ऑफ इलेवेशन फ्रॉम हर आईज टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. बेटा स्टार्टिंग में जब वो टावर को देखती है ना, तो उसकी आईज से एंगल ऑफ इलेवेशन क्रिएट होता है 30 डिग्री का. बेटा वो पॉइंट बी से स्पोज पॉइंट एफ पे आती है, तो जब वो कुछ दूरी ट्रेवल करती है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, तो उस टाइम पे उसकी आईज का एंगल ऑफ इलेवेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है 60 डिग्री का. भाई जैसे जैसे आप किसी भी हाइट की नज़दीक जाते जाओगे ना, आपको ऊंचा देखना पड़ेगा, और आप उसकी तरफ देखोगे ना तो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो आपने वो डिस्टेंस निकालनी है जितना उसने बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल की. दैट मीन्स आपने बी एफ निकालना है, बी एफ निकालना है, या आप ये कहो आपने ए ई निकालना है. आपको पता है बी एफ और ए ई क्या है, इक्वल है. तो इस डायग्राम में आपने ए ई निकालना है, ये सपोज पॉइंट पी. ठीक है बेटा, ए बी अगर 1.5 है तो ये डिस्टेंस भी आपके पास 1.5 ही होगी. कंप्लीट 30 है, ये 1.5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 28.5. ठीक है, अब ए कैसे निकलेगा बेटा, ए पी में से ई पी को माइनस कर दो. ए ई निकलेगा कैसे, ए पी में से, ए पी में से आप ई पी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो ए आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पी निकालते हैं. ए पी सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी आप फाइंड आउट कर रहे हो, ए पी आप फाइंड आउट कर रहे हो, पी सी आपको दे रखा है. ए पी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, पी सी, पी सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेटा पी बी पी अपॉन एच एच बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, ये आपके पास आ जाएगा कोट ऑफ 30 डिग्री. तो ए पी तो आप फाइंड आउट कर रहे हो, पी सी की वैल्यू आपके पास है 28.5 और कोट 30, कोट 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, कोट 30 की वैल्यू बेटा अंडर रूट 3. तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारे पास, ए पी इज इक्वल्स टू 28.5 into under root AP. अब EP निकालते हैं, इन ट्राइंगल EPC, इन ट्राइंगल EPC बेटा EP आपने कैलकुलेट करना है, और PC आपको दे रखा है 28.5. ये भी कोट बनेगा कोट 60, कोट 60, कोट 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3. तो यहाँ से अगर आप EP कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये आपके पास आएगा 28.5/√3. दोनों वैल्यूज आ गई भी, तो ए कैसे निकलेगा, ए पी में से ई पी को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो. नाउ ए इज इक्वल्स टू ए पी 28.5/√3 माइनस में 28.5/√3. इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या है, 28.5 जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह गया √3, यहाँ पे रह गया -1/√3. नाउ ए इज इक्वल्स टू 28.5, इसका एलसीएम लेंगे भी, √3 एलसीएम आ जाएगा. √3 को √3 से करोगे, 3 3 -1, ये हो जाएगा 2/√, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 57/√3. डिनोमिनेटर में बेटा आप √3 की टर्म नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 57/√3, √3 में कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हो गया 19. दैट मीन्स ए ई जो है वो हमारे पास आ जाएगा 19/√3. अगर डेसिमल में कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे. ले रहे बेटा, ये ए ई आ गया, तो जो ए ई है वही हमारे पास किसके इक्वल है, बी एफ के इक्वल है. इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाई हर टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 19/√3. तैयार करना बेटा इन क्वेश्चनों.